इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऊंट, घोड़ा और हाथी की चालें कैसे होती हैं। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जिनको ये पता है कि ऊंट कैसे चलता है शतरंज में, घोड़ा कैसे चलता है और हाथी कैसे चलता है, उनके ये वीडियो काम का नहीं है। तो दे कैन मूव ऑन टू माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू। तो जैसे खेल की शुरुआत करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऊंट कैसे चलता है। ऊंट ऊंट तिरछा चलता है, इसका मतलब ये हुआ, तिरछा का मतलब ये हुआ कि ये ऊंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊंट यहां जा सकता है और यहां जा सकता है, पर यहां कब जा सकता है, अगर ये सैनिक यहां ना होता। मतलब ऊंट सिर्फ वहीं तक चल सकता है जहां रास्ते में कुछ ना आए। इधर भी सिर्फ ये वहीं तक जा सकता है जहां रास्ते में कुछ ना आए। अगर ये व्हाइट सैनिक यहां पे ना होता तो ये ऊंट यहां तक जा सकता था, परंतु अब क्योंकि ये सैनिक यहां पे आए तो ये ऊंट आगे कहीं नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, इसका मतलब ये ऊंट नहीं चल सकता। हाथी की चाल कैसे होती है? हाथी हमेशा सीधा चलता है, और सीधा का मतलब इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है, परंतु हाथी सिर्फ वहीं तक चल सकता है जहां बीच में इसका कुछ ना आए। अगर ये सैनिक यहां ना होता तो ये हाथी चल के यहां तक जा सकता था, परंतु क्योंकि ये सैनिक यहां पे है तो ये हाथी अब इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कहीं तक नहीं, कहीं नहीं जा सकता। इधर भी ये तभी चल सकता था जब ये घोड़ा यहां ना होता, तो ये शायद यहां आ सकता था, पर अब क्योंकि यहां पे ये घोड़ा है तो ये हाथी कहीं नहीं चल सकता। अब सबसे मुश्किल जो चाल समझने की होती है वो होती है घोड़े की, पर घोड़ा बाकी सबसे काफी अलग होता है। कैसे अलग होता है ये समझते हैं। एक तो घोड़ा जब भी चलता है तो उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आ सकती। जैसे हाथी अब यहां से यहां जा सकता था अगर ये सैनिक ना होता, पर क्योंकि यहां पे ये सैनिक है तो हाथी यहां से यहां नहीं चल सकता। पर घोड़े के बीच में ऐसी कोई रुकावट नहीं होती। और घोड़े की चाल कैसी होती है? घोड़े की चाल को बोलते हैं ढाई कदम। और वो ढाई कदम कैसे होते हैं कि आप दो कदम सीधा चलते हो और 90 डिग्री मुड़ते हो। अब जैसे दो कदम सीधा चले तो 90 डिग्री इधर भी मुड़ सकते हैं और 90 डिग्री इधर भी मुड़ सकते हैं, और 90 डिग्री मुड़ने के बाद एक कदम चलते हैं। तो दो कदम सीधे चले फिर एक कदम यहां पे, तो ये घोड़ा यहां भी आ सकता है, और जैसे कि ये दो कदम इधर चल के इधर भी आ सकता है, और उसके अलावा ये दो कदम इधर जाके और फिर 90 डिग्री इधर जाके, मतलब एक कदम यहां इधर मुड़ के यहां भी रुक सकता था। अगर ये सैनिक यहां ना होता तो ये घोड़ा यहां भी जा सकता था, परंतु अब ये घोड़ा सिर्फ यहां और यहां जा सकता है, तो इस घोड़े को यहां चलते हैं। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ ये दो वैलिड मूव्स हैं घोड़े की। अब घोड़ा कहां कहां चल सकता है ये देखते हैं। इसको मैंने क्लिक किया तो ये दो कदम सीधा जा सकता है और फिर एक कदम राइट या एक कदम लेफ्ट, ये यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है, या फिर ये दो कदम इधर जाके एक कदम इधर भी जा सकता है। ये इधर भी जा सकता था अगर ये सैनिक यहां ना होता तो ये घोड़ा यहां भी आ सकता था, पर क्योंकि ये सैनिक यहां पे है तो सफेद घोड़ा अपने सफेद के सफेद पीस को नहीं मार सकता, तो और मारेगा भी नहीं, इसलिए सफेद पीस यहां नहीं चल सकता, सफेद पीस यहां चल सकता है। ये घोड़ा यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता था अगर ये राजा यहां ना होता, और इस सैनिक की जगह भी आ सकता था अगर ये सैनिक यहां पे ना होता। तो इसका मतलब इसके लिए वैलिड मूव्स कौन सी हैं? अभी ये चार खाने और ये एक खाने, पर ऐसे मैक्सिमम इसके लिए आठ खाने हो सकते थे वो, और बाकी तीन खाने, और इन पांचों के अलावा बाकी तीन खाने कौन से पॉसिबल थे? एक तो ये क्यों? क्योंकि ये दो कदम सीधा जाके ऐसे आ सकता था, यहां पे आ सकता था, और एक ये एक दो और फिर ये इधर यहां भी आ सकता था, या फिर ये एक दो और फिर ये इधर, ये तीन, ये और ये तीन जगह घोड़ा और जा सकता था अगर इन जगहों पे व्हाइट का कोई पीस ना होता। तो अभी हम इस घोड़े को नहीं चलेंगे बल्कि इस सैनिक को चलेंगे। सैनिक पहली चाल में दो कदम भी चल सकता है, तो हमने इसको आगे रख दिया।
अब ये घोड़ा कहाँ जा सकता है? ये घोड़ा यहाँ आ सकता है। ये ऊंट हमेशा तिरछा चलता है, और ये ऊंट ऊंट कहां तक चल सकता था? जैसे ऊंट की चाल समझने के लिए देखते हैं, ऊंट तिरछा चल सकता है, जितने कदम कितने भी कदम चल सकता है, रास्ते में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे ये ऊंट यहां तक आ सकता है, इसके आगे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ बीच में एक ये सैनिक है, ठीक है। इधर ये तीनों खाने खाली हैं तो इन तीनों में से ये कहीं भी चल सकता है। इधर इन दो ये दोनों खाने खाली हैं तो इनमें से कहीं भी चल सकता है। इधर ये इन दोनों खानों में जा सकता है और इस खाने में भी आ सकता है। यहाँ पे एक सैनिक रखा हुआ है तो ये काले सैनिक को मार सकता है ये ऊंट, पर ये यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि बीच में ये सैनिक आ गया। ये इस काले सैनिक को मार तो सकता है ऊंट, ये ऊंट इस काले सैनिक को मार तो सकता है पर यहां नहीं आ सकता। तो अभी हम इस ऊंट को चलें या ना चलें, अभी हम इस ऊंट को नहीं चलते हैं। उसकी बजाय हमने इस सैनिक को 2 कदम आगे बढ़ा दिया। उसके बाद इस ऊंट को इधर नहीं चल सकते क्योंकि ये बीच में सैनिक आ गया, परंतु इधर चल सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इसको। तो इस ऊंट को यहां से बाहर निकालने के लिए हमने इसको यहां पे रख दिया। अब एक चाल होती है कैसलिंग। कैसलिंग का नियम भी समझते हैं। कैसलिंग का नियम क्या होता है कि राजा और हाथी अगर दोनों अपनी जगह से हिले नहीं हैं मैच में अब तक, और राजा और हाथी के बीच के जो खाने हैं, और जहां पर राजा रखा हुआ है और जहां हाथी रखा हुआ है, वो खाने, जैसे कि इस केस में ये जो चार खाने हैं, इन चारों स्क्वायर्स पर अगर किसी का अटैक नहीं है, अटैक होने का मतलब अगर इस खाने पर कोई भी चल नहीं सकता है या इस खाने पर भी कोई चल नहीं सकता है, जैसे कोई भी चल नहीं सकता का मतलब कोई ब्लैक पीस यहां पर नहीं आ सकता है। इन चारों खानों में से अगर ब्लैक पीस एक चाल के अंदर अंदर आ सकता है तो हम कैसलिंग नहीं कर पाएंगे, अगर एक चाल में नहीं आ सकता है तो हम कैसलिंग कर पाएंगे। तो कैसलिंग के क्या नियम है? एक तो जो राजा है और हाथी है वो अपनी जगह से अब तक हिले नहीं होने चाहिए, और दूसरा नियम ये है कि राजा और हाथी के बीच के जो खाने हैं वो, और जहां पर राजा और हाथी रखे हैं वो खाने, वो सारे खानों पर ब्लैक पीस सिर्फ एक चाल के अंदर अंदर अगर आ सकता है तो हम कैसलिंग नहीं कर सकते, अगर नहीं आ सकता तो हम कैसलिंग कर सकते हैं। तो और कैसलिंग में होता क्या है? कैसलिंग का मतलब है कि राजा हाथी की तरफ 2 कदम चलेगा और हाथी राजा के ऑपोजिट साइड आ जाएगा। जैसे कि ये राजा यहां चल सकता है और ये हाथी फिर उठ के राजा के इस साइड आ जाएगा। ये हो गई कैसलिंग। और ये हमने सैनिक को 2 कदम चल दिया। अब ये रानी इस सैनिक को मार सकती है और ये इस ऊंट को भी मार सकती है। इन दोनों चीजों को हमें एक साथ बचाना है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है ये। उन्होंने सैनिक मार लिया, हमने घोड़े से घोड़ा मार लिया। अब इस सैनिक को खतरा है, इस घोड़े को, तो
हमने इस सैनिक को आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से आपने ये सारी चालें सीखी हैं। हाथी की चाल क्या होती है? हाथी की चाल भी देख लेते हैं। हाथी सीधा चल सकता है, हाथी दो कदम इधर आ सकता है, दो कदम इधर आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दो ही कदम चल सकता है, ये हाथी पूरा यहां तक चल सकता था अगर बीच में रास्ता खाली होता तो। जैसे कि अब हम करके दिखाते हैं, ये सैनिक हमने आगे बढ़ा दिया। तो उसके बाद अगली बार इस हाथी के लिए ये खाना भी खाली हो गया, ये हाथी वहां तक जा सकता है जहां तक खाली जगह इसको मिल रही है। तो अगले वीडियो में और सीखेंगे, अभी इतना ही बहुत है। थैंक यू।